हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है वेक्टर्स। करेक्ट, टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लेंथी टॉपिक है, काफी वास्ट टॉपिक है और इसको पोटेंशियल भी ज्यादा है। कहने का मतलब इसको मैक्सिमम मार्क्स है इन योर पार्ट फर्स्ट। करेक्ट, वेल मार्क्स का यह टॉपिक आता है मिनिमम। करेक्ट, सबसे ज्यादा मार्क मिनिमम यह टॉपिक देता है 12, मैक्सिमम और पकड़ के तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। राइट, सो आज यह टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे वेक्टर्स। सारे वीडियो इसके देख लेना, तब ये जाके आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग अभी। सो वेक्टर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो कौन से पॉइंट्स हम वेक्टर में देखेंगे। वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स, करेक्ट, देन सेक्शन फार्मूला, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड आखिरी में ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कहने को तो पांच ही पॉइंट है। आप बोलेंगे सर क्या पांच पॉइंट है तो चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। आप जब शुरू करेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको काफी डीप चैप्टर है ये। राइट, कंसेप्चुअल भी है, अपने को JEE CET दोनों में ये लगता है, चलेगा। सो स्टार्ट विथ, अब देखो ये तो अपने को पहले से मालूम है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्कूल लेवल से हम लोग ये देखते आ रहे हैं, व्हाट इज इन बाय स्केलर, व्हाट इज इन बाय वेक्टर। करेक्ट, सो वहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि टॉपिक का नाम ही है वेक्टर। राइट, सो अभी देखो स्केलर क्वांटिटी और इसमें स्केलर का मतलब क्या होता है ये भी अपने को देखना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी दिया, एक क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। खाली मैग्नीट्यूड से ये क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट, जैसा आपका मास हो गया, लेंथ हो गई, ये स्पेसिफाई करने के लिए खाली आपने बोला 10 kg तो सफिशियंट है कि भाई इतना मास है। ए लेंथ ऑफ 5 cm बस दैट इज द सफिशियंट, नथिंग बट व्हाट ये जो क्वांटिटी होती है स्पेसिफाइड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, चलेगा। ओके, अब देखो यहां पे अपने वेक्टर टॉपिक के अंदर स्केलर बोले तो यहां पे क्या लेंगे, रियल नंबर्स। स्केलर बोले तो यहां पे रियल नंबर्स रहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्केलर्स, चलेगा। चलो हम नेक्स्ट इसको जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एक क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब बाय यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जब ये दोनों लगेंगे वो क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी। बेसिक डिफरेंस, वैसे ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी है, करेक्ट, तो आपको काफी अच्छी तरह से ये मालूम है। उसका हेल्प इसको होगा, इसका हेल्प उसको होगा, दोनों कोऑर्डिनेशन से चलेगा। राइट, सो यहां पे देखो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा फोर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहां पे हमको फोर्स से ज्यादा लेना देना है। राइट, क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने के लिए अगर हमने बोल दिया 10 N फोर्स इज एक्टिंग, बट आपको स्पेसिफिक उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, दैट टू एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है क्या, अपवर्ड डायरेक्शन है क्या, इंक्लाइन डायरेक्शन है। सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करेक्ट। और आगे जाने के बाद तो आपको इंजीनियरिंग में जब आप आएंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है, वहां पे तो ये फोर्स से हमको बहुत ज्यादा डील करना पड़ने वाला है। सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ता है, तो वैसी जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? ओके, अब देखो यहां तक हम लोग आ गए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स में बोलो, देखो वेक्टर जो डिफाइन करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जरा देख लेना। अब देखो वेक्टर को जब डिफाइन करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है मालूम, यहां पे होता है इनिशियल पॉइंट, यहां पे क्या होगा इनिशियल पॉइंट, और यहां पे जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट।
ये टर्म्स बहुत बार आएंगे अभी। सो ये होता है जहां से वो शुरुआत होती है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और यहां पे जो एंड है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट्स, करेक्ट। और इसी को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ एक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की बात हो रही है, और इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्मिनल पॉइंट, मान लीजिए मैंने इसको ए पॉइंट बोला है और इसको बी पॉइंट बोला है, तो ए अपना इनिशियल पॉइंट है जहां से वेक्टर शुरू हुआ, और आपका बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, वहां पे जाके वो एंड हुआ, टुवर्ड्स दैट पॉइंट। और वही लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट यूर वेक्टर, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया, इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब देखो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, है ना, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब देखो ये वेक्टर को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे ए बी वेक्टर, ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट, नो प्रॉब्लम। और इसकी अगर आपने को मैग्नीट्यूड निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉड देते, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, करेक्ट। तो ये मॉड ऑफ ए बी देने के बाद आपको वो वेक्टर जो ए बी है उसकी क्या मिलेगी, मैग्नीट्यूड मिलेगी, करेक्ट। यही यहां पर डिफाइन किया है। अब देखो अगर यहां पे छोटा ए वेक्टर दिखाया तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर ये इनिशियल पॉइंट मेंशन है, टर्मिनल पॉइंट मेंशन है, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, नथिंग बट इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे दिखाएंगे। और ए बी वेक्टर मेंशन इस मतलब इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग अगर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ये ऐसा है, समझो इनिशियल टर्मिनल नहीं है बट यहां पर ऐसा डिफाइन किया ए वेक्टर, तो हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये बात जरा समझ लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत आएंगे यहां, तो जरा ये ध्यान देते रहना। चलो तो हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, उससे पहले और एक बात ऐसी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन भले ही कुछ भी हो बट आपको जो मैग्नीट्यूड निकालने उसका डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हम क्या लेते हैं, मॉड, करेक्ट। अभी मॉड के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, जैसा जैसा लेक्चर आगे आगे प्रोसीड होगा वैसा वैसा आपको ये बताया जाएगा, ओके। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। बढ़िया, चलो अभी हम आगे जाएंगे। अब देखो यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात हो रही है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखो यहां पे टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वाला आता है जीरो वेक्टर। अब नेम इटसेल्फ इंडिकेट जीरो वेक्टर, मतलब जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, अभी डायग्राम निकल के समझाया था, उसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट अगर दोनों क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट अगर कोइंसाइड हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर, एन यू डबल एल। जैसा हम देखते हैं नल सेट, है ना, नल मैट्रिक्स, मतलब उसके अंदर कुछ रहता नहीं, जीरो जीरो जीरो, वैसा ही सेम, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल, है ना, वेक्टर, और इसको डिनोट करते बाय लाइक दिस जीरो वेक्टर, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नेम इटसेल्फ इंडिकेट मैग्नीट्यूड क्या होना, उसकी यूनिटी, अगर उसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिटी बोले तो वन, राइट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, नो प्रॉब्लम। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं ए कैप या ए हैट, ये हम इसको बोलते हैं। आगे जाके हम इसका फॉर्मूला भी बोलेंगे, वैसे यहां पे बता देता हूं बट ये आगे आने वाला है। यूनिट वेक्टर ए कैप, और हम इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट।
यह फॉर्मूला आगे आएगा, बट फिर भी चलो यहीं से बताते चलो, सो दैट आपको याद रहेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, मतलब ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, यूनिट दैट इज नथिंग बट यूनिटी बोले तो नथिंग बट वन, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट में जब हम जा रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लेना, आराम से समझ लो, ये चैप्टर काफी वेटेज देगा आपको, काफी मार्क देगा, समझ लीजिए बहुत फायदा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर्स, राइट। अब देखो अगर दो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको क्या बोलने का, उसको बोलने का को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, उसका इनिशियल पॉइंट। सी ए वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ, बी वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हुआ, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही है, तो उसको क्या बोलने का, को इनिशियल वेक्टर। ओके चलो अब नेक्स्ट में देखो को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस बोले तो दोनों का जो टर्मिनल पॉइंट है, अभी आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जब हमने दिखाया तो इनिशियल बोले तो जहां से वेक्टर शुरू होता और टर्मिनल बोले तो एंड उसका, अभी बताया था ना। सो को टर्मिनस मतलब ये आपका डी वेक्टर है, मान लो इधर जा रहा है, आपका सी वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों का टर्मिनल पॉइंट अगर एक ही आता है तो उसको क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर, ध्यान देना क्या बोलेंगे हम लोग, को टर्मिनस वेक्टर, पॉइंट समझ गए, नथिंग बट को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ते हैं, तब जाके हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम का एनालिसिस अगर आपने नहीं कर पाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्ट। सो इसीलिए ये पॉइंट्स को हम स्ट्रेस दे रहे हैं, डायग्राम निकाला है, आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट, अब देखो कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर का चक्कर क्या है, देखो कोलीनियर वेक्टर मतलब टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलीनियर इफ देयर डायरेक्शन आर सेम और अपोजिट इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, सच अ रिप्रेजेंट, सच अ वेक्टर्स रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, करेक्ट, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर ऑल्सो। कोलीनियर वेक्टर का मतलब आपको सीधा समझा दूं, डायग्राम दिख रही है आपको, यहां पे देखो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल है, करेक्ट। इसका मतलब यहां पे उनकी डायरेक्शन भले ही कुछ भी रहे, करेक्ट, बट उसकी डायरेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट, इफ देयर डायरेक्शन आर सेम और अपोजिट नो प्रॉब्लम इन दैट, बट वहां पे क्या रहना चाहिए, वो लाइन एक दूसरे को पैरेलल अगर रहे या वो वेक्टर वन ओवर अदर भी रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज नथिंग बट कोलीनियर वेक्टर्स, ध्यान देना। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, कोलीनियर है, ये वर्डिंग अपने को बहुत बार आगे लगने वाला है इसीलिए ध्यान देना। चलो हम आगे प्रोसीड करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड कम ज्यादा भी हुआ तो टेंशन लेना नहीं, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट भी रहा तो टेंशन लेना नहीं, बट लाइन ऑफ एक्शन कैसे होना, पैरेलल होना, राइट, या वन ओवर द अदर, इसको बोलते कोलिनियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, को प्लानर वेक्टर्स, को प्लानर वेक्टर बोले तो क्या, देखो द वेक्टर्स विच आर लाई इन द सेम प्लेन, को प्लानर नेम इटसेल्फ इंडिकेट, बराबर है, या ऑन पैरेलल प्लेन, कहने का मतलब यहां पे ये हुआ, देखो ए सेट ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन। अब ये तो सेम प्लेन का एग्जांपल यहां पे बोर्ड पे दिखाया, थोड़ी देर के लिए मान लो यहां पे ये मेरा प्लेन है, ये मेरा दूसरा प्लेन है, और ये प्लेन के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे कुछ, और ये प्लेन के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट हो रहे, और दोनों प्लेन एक दूसरे को, ये प्लेन को कैसा है,
ये दोनों प्लेन एक दूसरे को पैरेलल है, बराबर है। इसके ऊपर कुछ फोर्स है, वेक्टर्स है, इसके ऊपर कुछ वेक्टर्स है, तो हम बोल सकते कि वो दोनों वेक्टर क्या है, दैट इज अ कोप्लानर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? कोप्लानर, मतलब द वेक्टर्स विच आर लाई इन द सेम प्लेन। एक तो वो एक ही प्लेन में होना, जैसे यहां पे दिख रहा है दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, आप जब बुक में लिखते हो तो दैट इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो वैसे ये एक ही प्लेन में लाया हो रहा है और इन द पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन बोले तो क्या हो गया, यहां पे एक प्लेन, यहां पे दूसरा प्लेन, ये प्लेन में कुछ वेक्टर्स, ये प्लेन में कुछ वेक्टर्स, दोनों एक दूसरे को, ये एक प्लेन ये प्लेन को कैसा है, पैरेलल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दीज टू वेक्टर्स आर नथिंग बट कोप्लानर वेक्टर, ऐसा हम बोलते हैं, ध्यान में रखना। डायग्राम दिया है, और जो वेक्टर कोप्लानर नहीं रहे थे ऑफकोर्स उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। क्या बोलने का, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। ओके चलो बढ़िया। अब देखो इक्वल वेक्टर, अच्छा है ये भी, इक्वल वेक्टर भी बहुत बार लगेगा। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम होना, डायरेक्शन भी सेम होना। अब देखो यहां पे कुछ डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हम लोग। यहां पे ये ए वेक्टर है, यहां पे ये बी वेक्टर है, बराबर है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम दिख रही है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो हम लोग बोल सकते हैं हियर, क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। समझ में आया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल सकते हैं दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल है। समझ में आई बात, ओके। अब आप बोलेंगे सर फिर ये भी तो इक्वल हो सकते ना, नहीं ना। अब देखो ये ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, बट बात ऐसी है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और आपकी डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ए वेक्टर और डी वेक्टर इक्वल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर। आर यू गेटिंग इट आर नॉट, ओके। अब यहां भी देखो ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, बराबर है। थोड़ी देर के लिए मानो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन नॉट सेम, तो हम ये ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। समझ में आया आपको, इक्वल वेक्टर किसे कहना है, समझ में आया? चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, कॉन्सेंट्रेशन लगाइए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो, ध्यान से लेक्चर सुनो, बराबर उसको पॉइंट आउट कर दो, नोट आउट करो, आपको ये फायदा ही होगा, देगा काफी अच्छा पोटेंशियल और मार्क्स इसको है, वास्ट टॉपिक है, हम आराम से कवर कर लेंगे, लेकिन चलेगा। चलो अभी हम आगे चलेंगे, ओके नेक्स्ट पॉइंट जा रहे। हाँ देखो ये निगेटिव वेक्टर क्या है, आप देखो वेक्टर दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको बोलते हैं एक वेक्टर दूसरे का निगेटिव है। कहने का मतलब देखो यहां पे P टू Q, P मान लीजिए आपका कौन सा पॉइंट है, अभी बताया था इनिशियल पॉइंट, Q आपका कौन सा है टर्मिनल पॉइंट, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है सेम, पी क्यू वेक्टर हो गया है, बराबर डायरेक्शन इधर है। अब देखो अगर Q इनिशियल पॉइंट बनता है, एरो देखो, एरो अब लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है ना वो, तो यहां पे ये जो आपका ओ क्यू पी वेक्टर है, क्यू इनिशियल पॉइंट है, पी टर्मिनल पॉइंट है, तो यहां पे क्यू टू पी में क्या होने वाला है, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है सेम है बट डायरेक्शन इससे क्या है अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं क्यू पी वेक्टर इज अ निगेटिव वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर। समझ में आया, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, कॉन्सेंट्रेशन लगाइए फायदा होगा, नो प्रॉब्लम। चलो ये निगेटिव वेक्टर आपको समझ में आया, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे, फ्री वेक्टर, राइट।
ए वेक्टर इज ट्रांसलेटेड एनी वेयर इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर, राइट। मान लो यहां पे हमने ए वेक्टर लिया, यहां पे हमने बी वेक्टर लिया, है ना। सो कहने का मतलब क्या, ये वेक्टर हम कहीं भी स्पेस के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब जरा लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ये खाली मालूम होना चाहिए इसलिए देख रहे हैं हम लोग, जस्ट एक पॉइंट को टच करके आगे चलेंगे, बट लोकलाइज वेक्टर बाद में अपने को लगने वाला है इंजीनियरिंग में। देखो कैसे, फॉर ए वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन स्पेस देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। कहने का मतलब यह हुआ, आपका फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट होता है, मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल अगर मैं लेके बताऊं, ये एक बॉडी है और ये पॉइंट के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। सो ये फोर्स का देखो इनिशियल पॉइंट कहां पे है, इनिशियल पॉइंट इन स्पेस में है, बराबर है ना। मतलब इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन स्पेस और उसका टर्मिनल पॉइंट बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, बराबर है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पे ये पॉइंट पे ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड एक्ट हो गया, यहां पे ये पॉइंट पे एक्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट फिक्स इन स्पेस एंड टर्मिनल पॉइंट ऑन द बॉडी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर, ओके। चलो बढ़िया, पॉइंट्स एक बार समझ में आया ना, फिर आप आराम से आ जाए, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, देखने को लग रहा था ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अगर समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम और आएगा। हम लोग इतना डिटेल में बता रहे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स डेफिनेशंस है, उसमें पूरा रेडी करके दिया है आपके लिए, बस आप ये वीडियो को गो थ्रू इट डिटेल में देखो, खुद की नोट्स बनाइए, फायदा होगा 100%, करेक्ट। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जा रहे हैं अभी। अब देखो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने खत्म करवाए हैं, पूरे खत्म हो गए, आपको समझ में आए होंगे। अब ये ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपको कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ यूर नल वेक्टर, ऐसा कभी पेपर में आता नहीं है, बट वो प्रॉब्लम में उसके एप्लीकेशंस होते हैं, समझ में आया, ओके। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जा रहे, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, करेक्ट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मान लीजिए डायग्राम दिख रही है, मैं आपको समझा दू, यहां पे ये ए वेक्टर है और यहां पे हमने के इज नथिंग बट अ स्केलर, आपको बोला रियल नंबर है ना, स्केलर को अभी पहले बताया था, यहां पे वेक्टर्स में स्केलर बोले तो रियल नंबर्स होंगे। अब ये ए वेक्टर को अगर मैंने रियल नंबर से क्या किया, के ये स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी मतलब मैग्नीट्यूड मल्टीपल में बढ़ जाएगी ना, डायरेक्शन तो दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, बराबर है। मतलब जब k मेरा ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और मैग्नीट्यूड डेफिनेटली a वेक्टर से k इंटू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि वो मल्टीपल किया ना नंबर से, एक आधे वेक्टर को कुछ नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी अल्टीमेटली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके। और समझो k वैल्यू लेस देन जीरो है, के वैल्यू लेस देन जीरो तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन ए से क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब यह हुआ यहां पे ये डायरेक्शन क्या बनेगी, 100% वो डायरेक्शन आपकी इससे अपोजिट हो जाएगी, है ना। ये डायरेक्शन यहां पे कैसा, ये डायरेक्शन ऐसा इधर है, दिख रहा है ना आपको, और ये डायरेक्शन इससे क्या हो गई, अपोजिट, क्योंकि के वैल्यू क्या है, जो आपका स्केलर है वो लेस देन जीरो, समझ में आई बात। बस यहां से इतना ही आपको समझाना था कि भाई, और यहां पर देखो मैग्नीट्यूड के इंटू ए वेक्टर, अब आपको मालूम है मैं ऐसा के इंटू ए वेक्टर भी लिखूं तो के क्या है, के तो अपना कांस्टेंट है, स्केलर रियल नंबर है ना एक, सो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ के बोल के इसको बाहर ले सकते हैं, और बाहर लेने के बाद हम खाली ए वेक्टर की क्या बनाएंगे, मैग्नीट्यूड। हम वही पॉइंट को बाद में जाने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बट अभी इतना ही समझ लो स्केलर मल्टीपल बोले तो क्या होता, राइट। चलने का आगे, ओके बढ़िया।
अब देखो यहां पे, ये थोड़ा सा आपको एक बात और समझा दे उसी में स्केलर मल्टीपल में। यहां पे देखो, अगर के इक्वल टू जीरो है तो के इंटू ए वेक्टर भी क्या बनेगा? जीरो, बिकॉज के एक रियल नंबर है, स्केलर है, रियल नंबर है, और वो अगर जीरो है तो आपको मालूम है जीरो ने किसके साथ भी अगर जीरो मल्टीप्लाई करता है तो उसको भी जीरो बना देता है ना। सो नथिंग बट के इंटू ए वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? जीरो वेक्टर, नथिंग बट व्हाट? नल वेक्टर, नथिंग बट व्हाट? इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो ए इन एंड के वेक्टर, ए वेक्टर है के और के इंटू ए वेक्टर, मतलब वहां पे हमने क्या किया? स्केलर मल्टीपल किया है ना, और कोलिनियर अभी आपको समझाया था, और पैरेलल, कोलिनियर बोले तो लाइंग ऑन सेम लाइन, अभी आपको समझाया था मैंने कोलिनियर वेक्टर में। अब वो देखो ऐसे अपने को यहां पे लगेंगे है ना। सो कोलिनियर और पैरेलल मतलब लाइन वन और द अदर, वही लाइन का एक्सटेंशन हो सकता है, नहीं तो वो लाइन एक दूसरे को कैसे रहती है? पैरेलल, राइट? ओके, बाकी अब ये देखो टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, ये पॉइंट आपको बहुत बार लगेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना। और पैरेलल मतलब आपको प्रॉब्लम में दो वेक्टर्स दिए और आपको पूछा कि शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर विथ ईच अदर, या आपको बोला कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है क्या नहीं, ये आप शो दैट करो, या अगर बोलेगा कोलिनियर है फाइंड आउट द वैल्यू, ऐसे अलग अलग वैरायटी। तो ये सब प्रॉब्लम में इसका बेसिक क्या है मालूम? एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल अगर आप दिखाते हो, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल, देखो यहां पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एम वेक्टर, बराबर है? तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर क्या है? दोनों वेक्टर कोलिनियर है, समझ गए बात? क्या बोलेंगे? दोनों वेक्टर कोलिनियर है, प्रोवाइडेड एम जीरो नहीं होना, नहीं तो वो तो दोबारा जीरो वेक्टर में चले जाएगा, फिर हमारी गाड़ी वहीं पे आगे रुकेगी। जीरो वेक्टर, नथिंग बट नल वेक्टर, समझ में आया? मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर आप स्केलर मल्टीपल दिखाते हो तो वो शो दैट हो जाता है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, समझ गए बात? या पैरेलल, समझ गए? ओके, अब देखो ये तो बात हमने अभी की थी आपसे, इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग नॉन जीरो वेक्टर ए, ए वेक्टर क्या है? नॉन जीरो वेक्टर, तो ये ए कैप जो होता है ना इसकी मैग्नीट्यूड आप कैसे बनाते हो? देखो ए कैप इज नथिंग बट फॉर्मूला, अभी भी आपको पहले वहां पे बताया था मैंने यूनिट वेक्टर में, सेम फॉर्मूला, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, समझ गया ना? ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने बोला था आगे आएगा, वो आया है, राइट? अगर ए वेक्टर ऑफ लेंथ के इन द सेम डायरेक्शन एज ए वेक्टर है तो दोबारा यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड आएगी यूनिट वेक्टर की उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है? के क्या है? के एक स्केलर क्वांटिटी है, नथिंग बट रियल नंबर है, समझ गए बात? सो ये क्या होगा? के इंटू ये फॉर्मूला, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट, समझ गए आप बात को? समझ रहे क्या? नहीं समझ रहे? ओके, सो यहां पे ये जो पूरी क्वांटिटी है स्केलर मल्टीपल, यहां पे हम लोग आए हैं, करेक्ट? अभी इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। अब देखो करेक्ट, तो ये मेरे ख्याल से आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज नथिंग बट यूर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की एडिशन, हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं। अब ये दो वेक्टर्स की जो एडिशन है ये पॉइंट्स हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है। मैंने पहले बोला एक एक पॉइंट हमको क्लियर करके चलना है। सो अभी हम लोग यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे रुके हैं, नथिंग बट व्हाट, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लीकेशन लिया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता ये समझाया, इसकी नोट से आपको पूरा मैटर क्लियर करके दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, चलेगा? बट एक बात ध्यान से समझ लेना, ये जो वीडियो है वो ध्यान से सुनना, उसके नोट से बनाना तो आपको जरूर फायदा होगा। दूसरी बात, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी वीडियोज आएंगे हमारी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिलती रहेगी, बराबर है? उसका फायदा आपको आगे जाके भी होने वाला है। हम लोग इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर तक वीडियो बनाने वाले हैं, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट? सो उसको आप सब्सक्राइब करिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो भी चल रहा है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल लेके दिखाने वाले ही है, वो सवाल नहीं, बट अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो और प्रॉब्लम्स की, क्योंकि ये हम लोग पूरा इन डिटेल ही अगर लेंगे तो अपने को महीना महीना चलेगा, तो हम लोग पूरा इन शॉर्ट आपका रिवाइज करा रहे, कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे, वो थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपको उसका फायदा होगा। बट अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लोग मतलब एक जितना जल्दी हो सके जनवरी में एक क्रैश कोर्स अनाउंस करने वाले हैं। आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आप लोग ये माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वीडियो देखिए मालूम पड़ेगा, राइट? अब ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को बताइए, करेक्ट, और कमेंट भी दीजिए, सो दैट हमको भी अच्छा लगेगा कि अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है या जो भी कमेंट से भी अच्छा लगा, सर समझ में आया, राइट? जो भी है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगेन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर के नेक्स्ट पॉइंट के साथ, चलेगा? थैंक यू।